नमस्कार दोस्तों, अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है गूगल पर भी जो है सर्च करने पर नहीं आ रहा है और इंस्टाग्राम पे सर्च करने पर जो आपका अकाउंट जो है सर्च लिस्ट में जो है नहीं दिखाई दे रहा है, आखिर इंस्टाग्राम अकाउंट जो है आपका क्यों नहीं सर्च में आ रहा है, इंस्टाग्राम अकाउंट को सर्च में कैसे लाया जाए, चलिए आइए आज की इस नए वीडियो में जो है जानते हैं। सो फ्रेंड, मेरा नाम है विशाल कुमार, आप देख रहे हैं प्यारा चैनल बर्मा टेक। चैनल पर नया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम अकाउंट को सर्च में लाने के लिए आप लोग को इन स्टेप को जो है फॉलो करना होगा। आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है पब्लिक होना चाहिए, या तो क्रिएटर अकाउंट होना चाहिए या तो बिजनेस अकाउंट जो है होना चाहिए। अब आप कैसे चेक करेंगे कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक है या नहीं, तो आप लोग को इंस्टाग्राम को जो है ओपन कर लीजिएगा। चलिए, हमने इंस्टाग्राम को जो है ओपन कर लिया। ओपन कर देने के बाद आपको प्रोफाइल वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। इसके बाद थ्री डॉट वाला ऑप्शन पर जब क्लिक कीजिएगा तो सेटिंग एंड प्राइवेसी वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है अकाउंट प्राइवेसी में हमारा जो ये अकाउंट जो है पब्लिक अकाउंट है, ये बिजनेस अकाउंट मेरा नहीं है क्योंकि ये मेरा क्रिएटर अकाउंट है। दूसरा, आपको ये होना चाहिए कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट का जो है नेम है यूनिक होना चाहिए। आपको ऐसा नेम जो है चूज करना होगा कि उस नेम से पहले से कोई भी जो है अकाउंट रजिस्टर नहीं हो इंस्टाग्राम पर। तीसरा, आपको ये करना है कि आप इंस्टाग्राम बायो में जो है अपने नीच ले रिलेटेड जो है कीवर्ड को जो है यूज करना है। अपने हैशटैग को जो है अपने बायो में जरूर से आप लोग को यूज करना है। इसके बाद आप अपने इंस्टाग्राम पर जो है अगर रील अपलोड करते हैं या पोस्ट अपलोड करते हैं तो आपको अपने कैप्शन में जो है नीच ले रिलेटेड जो है आपको कीवर्ड जो है यूज करना है। इसके बाद आपको अपने चैनल का जो भी नेम है उसका हैशटैग जो है आप लोग को यूज करना है, जरूर आपको हैशटैग जो है यूज करना है। एंड सबसे आपको लास्ट चीज, आपको ये चीज जरूर करना होगा, ये चीज कीजिएगा तभी जो है आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है गूगल पर भी जो है सर्च में आएगा एंड इंस्टाग्राम पर भी जो है आप सर्च कीजिएगा तो आपका अकाउंट जो है सर्च लिस्ट में जो है जरूर से दिखाई देगा। आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का जो है यूनिक यूजर नेम जो है चूज करना होगा। यूजर नेम वह होता है कि अगर आपने लिया हुआ है उस यूजर नेम तो अगर कोई भी जो है सर्च करेगा तो आपका अकाउंट जो है उन सर्च लिस्ट में जरूर आएगा। इंस्टाग्राम पर यूजर नेम लेने के लिए आप लोग को इंस्टाग्राम को जो है ओपन कर लीजिएगा। ओपन कर देने के बाद प्रोफाइल वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद एडिट प्रोफाइल वाला ऑप्शन पर जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए यूजर नेम पर जो है हमने जो है पहले से लिया हुआ है तो आपका यहाँ पर जो है ब्लैक दिखाई देगा या आपने कुछ उटपटांग जो है लिया हुआ है तो इस पर जो हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप 14 दिन में जो है आप अपने यूजर नेम को जो है चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आप यूजर नेम लेने के बाद जो है टिक वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आप अपने गूगल पर जो है instagram.com इसके बाद स्लैश आपने जो यूजर नेम लिया है वो अगर उसको लिखकर सर्च कीजिएगा तो आपका अकाउंट जो है गूगल पर भी कोई भी सर्च करेगा तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है आसानी से सर्च लिस्ट में जो है आने लगेगा। इसके बाद इंस्टाग्राम ऐप में भी जो है सर्च में आपका अकाउंट जो है जरूर आने लगेगा। आपको इन स्टेप को जो है आसानी से फॉलो करना है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी डाउट लगा एक नीचे प्यारा सा हमें कमेंट करके आप मुझसे जो सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को फ्रेंड के पास जरूर से शेयर करना होगा।